नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों से कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ दे रहे हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि सरकार ने रोजगार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं एस सिद्धार्थ, पहले आप वो सुने। ये चरणवार है, जैसे जैसे, और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द हो जाए। चरणवार मैंने कहा आपको, मैंने चरणवार आपको कहा, तो चरणवार ये सीधी नियुक्ति है। सीधी नियुक्ति वाले आपके कांस्टेबल हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। अन्य जो वित्तीय मामले में जो रिसर्च किए जाते हैं वो सीपीपीएफ लोक वित्त में आर्थिक नीति केंद्र स्थापित थी वित्त विभाग के अंतर्गत, और ये आदरी के अंतर्गत ये स्थापित थी। अब आदरी की संस्था से इसको हटा के एक स्वतंत्र इकाई बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बनाया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी। और ये आर्थिक और आर्थिक जो नीतियां हैं राज्य की, उस पर अध्ययन करेगी, समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ये सोसाइटी होगी, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त विभाग रहते हैं, और इसका बोर्ड रहता है, इकोनॉमिस्ट रहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये केंद्र रहेगा, और इकोनॉमिक सर्वे जो है यही संस्था गठन करती है। इकोनॉमिक सर्वे है और अन्य आर्थिक नीति पर रिसर्च निबंधन कार्यालय हैं। इसका पुनर्गठन हुआ है, परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमक्खी, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, रोसडा, बीटा और दानापुर, इसका क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है इन निबंधन कार्यालयों का। नगर के क्षेत्र में इंडियन बाइसन जानवर काफ़ी क्षति अगल बगल के गांव में उपलब्ध कराता है, और उसी को इंडियन बाइसन बॉस गारूस गारूस जिसको गौर कहते हैं, उसको भी वन्य प्राणी के श्रेणी में रखा गया है, और उसमें भी वही नुकसान पर अनुदान दिया जाएगा जो अन्य जंगली जानवर पर दिया जाता है। तो यह एक निर्णय लिया गया है। जैसे मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी क्षमता पर 5 लाख था, मनुष्य की गहरी चोट था उसमें 72,000 था, मनुष्य की हल्की चोट या घायल होने पर 12,000 था। उसके बाद बैल, गाय, भैंस मृत्यु होने पर 12,000 है, भेड़ बकरी मृत्यु होने पर 2,400 है, बकरी की मृत्यु होने पर 3,600 है। फिर मकान की क्षति है, मकान का दीवार टूटना है, फसल और तो ये जो स्टैंडर्ड जो जंगली जानवरों के क्षति में जो अनुदान दिया जाता है उसमें आप गौर जो है उसको भी इंक्लूड किया गया। 2,803 विद्यालयों में 50 करोड़ के रुपए के जो अनुरूप जो फर्नीचर, बेंच और डेस्क लगाए जाएंगे, और उसका कार्यान्वयन विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा। बिहार विद्यालय शिक्षा समिति हर पंचायत में जो गठित है वे बेंच और डेस्क क्रय करेंगे, और 50 करोड़ राशि इस पर व्यय होगी। 50 करोड़ राशि, आपको जानकारी होगा जो तारामंडल है पटना मुख्यालय में, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्य चल रहा है, नया टेलीस्कोप का अधिष्ठापन किया जा रहा है, और साथ ही साथ अब इसकी एक गैलरी भी बनाई जा रही है, साइंस गैलरी है स्टार्स और प्लैनेट्स की। तो 2,40,00,000 रुपये इसमें लगेंगे, और ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये राशि बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुक्त की जाएगी। हमने गृह विभाग ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए पदों का सृजन किया है, और सबसे बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया है। पहला तो जो ERSS है आपका डायल 112 जो राज्य में चलता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट स्कीम जो है सिस्टम है, उसके अंतर्गत 7,808 पदों का सृजन किया है। तो पहला तो प्रथम चरण का 7,808 पदों का सृजन किया, जिसमें पुलिस संवर्ग के एवं गैर पुलिस संवर्ग के बाली होंगी। इसके अतिरिक्त जो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति होगी, वो 48,447 पद, और ERSS जो ERSS प्रथम चरण की बात हुई थी उसकी उसका द्वितीय चरण
19,288 कुल 6,67,735 विभिन्न पदों का सृजन होगा। तो ये सबसे बड़ी बहाली होगी 67,735 और राष्ट्रीय औसत के अनुपात में राज्य के आवश्यकता अनुसार ये बहाली होगी। राज्य के जनसंख्या के अनुपात में आज के दिन में 104,254 पद हैं और इसी क्रम में ईआरएसएस के साथ 808, ईआरएसएस के द्वितीय चरण 19,288, जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति 48,447, कुल 75,543 पद हैं। दोनों को मिला के आपका 75,543 पद हो जाते हैं, 67,735 + 7,808। तो ये सबसे बड़ी बहाली होगी और ये विभिन्न चरणों में होगी। अपने गृह विभाग ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए पदों का सृजन किया है और सबसे बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया है। पहला तो जो ईआरएसएस है आपका डायल 112 जो राज्य में चलता है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट स्कीम जो है सिस्टम है, उसके अंतर्गत 7,808 पदों का सृजन किया है। तो पहला तो प्रथम चरण का 7,808 पदों का सृजन किया, जिसमें पुलिस संवर्ग के एवं गैर पुलिस संवर्ग के बहाली होंगी। इसके अतिरिक्त जो बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति होगी वो 48,447 पद और ईआरएसएस जो ईआरएसएस प्रथम चरण की बात हुई थी उसके उसका द्वितीय चरण 19,288 कुल 67,735 विभिन्न पदों का सृजन होगा। तो ये सबसे बड़ी बहाली होगी 67,735 और राष्ट्रीय औसत के अनुपात में राज्य के आवश्यकता अनुसार ये बहाली होगी। राज्य के जनसंख्या के अनुपात में आज के दिन में 104,254 पद हैं और इसी क्रम में ईआरएसएस के साथ 808, ईआरएसएस के द्वितीय चरण 19,288, जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति 48,447, कुल 75,543 पद हैं। तो दोनों को मिला के आपका 75,543 पद हो जाते हैं, 67,735 + 7,808। तो ये सबसे बड़ी बहाली होगी और ये विभिन्न चरणों में होगी। ये सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड कार्यालय है वो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, वहीं नक्शा वक्शा आपको मिलता है। उसी में जो संवर्ग है जो रिकॉर्ड कीपिंग करता है उसे निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी, इन सबका जो नियमावली है वो स्वीकृत हुआ है। 13 नंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 8 के साथ ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम में जो अधिनियम था उसमें यह था कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में यदि कोई ये कंडिका 4 है, फूड सिक्योरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है, इसकी अधिसूचना है, ये इसमें जो अलाउंस फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल्स है 2015 है, उसके रूल 4 में यदि कोई फूड ग्रेन नॉन सप्लाई फूड ग्रेन किसी की गलती से नहीं होता है तो उसको अलाउंसेस देने का प्रावधान है। तो इसमें 1.25 गुना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका 1.25 टाइम्स उसको भुगतान करना पड़ेगा। सपोज कोई व्यक्ति आता है और उसको खाद्यान्न नहीं मिलता है तो उसको 1.25 टाइम्स गुना उसको खाद्यान्न देना पड़ेगा यदि किसी की गलती है। इसके हाँ
जो उसका एंटाइटलमेंट है, जो उसका एंटाइटलमेंट है उसको आप अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से मल्टीप्लाई करिए और साथ ही साथ उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करिए। इसके लिए उसको शिकायत पहले करना पड़ेगा, उस शिकायत की जांच होगी कि किस कारण से नहीं मिला। जिसने नहीं दिया उसकी जवाबदेही निर्धारित होगी और उसके बाद इसका भुगतान का ऑर्डर किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के व्यथित व्यक्ति के मामले में समय जांचोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान का आदेश पारित किया जाएगा। तो डीएम साहब बात पारित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इससे असंतुष्ट है तो वो इस पर अपील भी कर सकता है। तो सपोज आपको 25 किलो मिलना था तो 20 मिला, तो 5 किलो आपका घट गया, तो उस घटे हुए मात्रा का भी जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है न्यूनतम समर्थन मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 1.25 उसका भुगतान होगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया है, उसको पहले कंप्लेंट करना पड़ेगा, उसका उसका जाँच होगा, जाँच में संबंधित पदाधिकारी पर जवाबदारी निर्धारित की जाएगी और उसके बाद भुगतान का आदेश दिया जाएगा। ये प्रक्रिया भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला तो आप हकदार और अखबार हो जाएंगे, लेकिन आपको जांच के पश्चात ये कार्रवाई की जाएगी। 14 नंबर ये एजेंडा है जिसमें अंतिम एजेंडा था, जिसमें सामान्य भविष्य निधि अंशदान जो सरकारी कर्मचारी अपना GPF जमा करते हैं उसकी अब सीमा 5 लाख कर दी गई है। डॉक्टर जय कुमार सुमन है चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद। ये 2/7/2016 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। बिहार संवर्णालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली जो है 2011 में संशोधन हुआ है, इसमें प्रमोशन के जो पद थे उसमें कितने कितने पद ऊपर होंगे और किस प्रतिशत में होंगे ये निर्धारित नहीं था। तो ये निर्धारित किया निम्न वर्ग लिपिक 60%, उच्च वर्ग लिपिक 25%, प्रधान लिपिक 10% और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी 5%। तो ये प्रतिशत का निर्धारण हुआ। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविधान नियोजन संशोधन नियमावली 2022 स्वीकृत की गई है, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। ये पहले नियमावली गठन की गई थी, जैसे इसमें कार्यालय परिचारी हैं ये भारी स्रोत से लिए जाएंगे, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ये बेल्ट्रॉन से लिया जाएगा। इसे सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद जो ये एक्सपीरियंस था आपका जो इसमें मान्यता प्रताप ये जो संविदा नियमावली में जो सर्वेयर का था उसमें NCVT SCVT में जो मान्यता प्राप्त ITI संस्थाएं हैं वहां से प्रशिक्षण प्राप्त योग्यताधारियों को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संशोधन ये हुआ है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस पर हट के अब सीधी नियुक्ति का। पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पद है 20,937, सिपाही एवं समकक्ष पद है 22,010, सिपाही चालक है 5,500, योग्य 48,447। ठीक है, और ERSS के द्वितीय चरण वाले पद हैं उसमें सिपाही चालक है और सहायक अवर निरीक्षक है, ये सारे हैं जो पद हैं जो 19,288। तो ये चरणवार बहाली होनी है और आवश्यकता अनुसार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ये तय करेगा कि कितनी ट्रेनिंग की क्षमता है, क्योंकि साथ साथ जो बहाली होनी है उन सबकी ट्रेनिंग भी होनी है, क्योंकि ट्रेनिंग की क्षमता है उसके अनुरूप होगी और साथ ही साथ ऑब्वियसली इसके संसाधन वेतन भी देना है, तो वेतन की भी समीक्षा होगी जब जब बहाली होगी और उसी के अनुरूप उसके बहाली होगी। तो यही इसका सर। ERSS जो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, ये जो 112 है इसमें आज के दिन में कोई पद का सृजन नहीं हुआ है। जो वर्तमान पद हैं जो पुलिस मुख्यालय के पास वर्तमान पद हैं उसी से आज के दिन में इनका डिप्लॉयमेंट हुआ है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पद है। तो इसको दो चरण में किया गया है, जो एग्जिस्टिंग जो पद जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज के दिन में उसमें बहाली करके पहले उसको भर जाएंगे, जिसमें 7,808 पद हैं। और द्वितीय चरण जो है जो इसको और विस्तार किया जाएगा ताकि हर जिले, अभी केवल पटना जिला है, पटना के मुख्यालय है और कुछ जिला मुख्यालय में 112 चलता है, फिर हर पूरे जिले में पूरे राज्य में हर जगह इसका कवरेज देने के लिए
फिर ये द्वितीय चरण जो है ERSS का 19,288 पद क्रिएट किए जाएंगे ताकि पूरे राज्य में 112 का जो त्वरित रिस्पांस सिस्टम है उसका गठन किया जाए। तो यही इसीलिए दो चरण की बात कर रहा हूँ। प्रथम चरण है जो आज के दिन में एग्जिस्टिंग है जिसको वर्तमान पुलिस बल के माध्यम से किया गया है, और द्वितीय चरण है जो पूरा मैप है, पूरा राज्य, पूरे राज्य में हर जगह इसको कवर किया जाएगा। डॉक्टर जय कुमार सुमन है चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद। ये 2/7/2016 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। बिहार संवरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली जो है 2011 में संशोधन हुआ है, इसमें प्रमोशन के जो पद थे उसमें कितने कितने पद ऊपर होंगे और किस प्रतिशत में होंगे ये निर्धारित नहीं था, तो ये निर्धारित किया निम्न वर्ग लिपिक 60%, उच्च वर्ग लिपिक 25%, प्रधान लिपिक 10% और सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी 5%। तो ये प्रतिशत का निर्धारण हुआ। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविधान नियोजन संशोधन नियमावली 2022 स्वीकृत की गई है, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। ये पहले नियमावली गठन की गई थी, जैसे इसमें कार्यालय परिचारी हैं ये भारी स्रोत से लिए जाएंगे, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ये बेल्ट्रॉन से लिया जाएगा। इसे सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद जो ये एक्सपीरियंस था आपका जो इसमें मान्यता प्राप्त ये जो संविदा नियमावली में जो सर्वेयर का था उसमें NCVT SCVT में जो मान्यता प्राप्त ITI संस्थाएं हैं वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त योग्यता धारियों को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संशोधन ये हुआ है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस पर हटके अब एग्जामिनेशन बेसिस पे होगी, तो ये महत्वपूर्ण ये संशोधन किए गए हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना अलग अलग विभागों के कुल 13 एजेंडों पर आज बिहार कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है, और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी जो है वो अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है, 70,000 से ज्यादा पदों पर बहाली निकाली गई है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।